राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। राजस्थान संत सूरमा जति सती कवि अवतार संत त्याग तपस्या बलिदान वैराग्य भक्ति की धरती है मित्रों। और समय समय पर भगवान विभिन्न रूपों में कोई न कोई कारण से भगवान को अवतार इस धरती पर लेना पड़ा। बाबूजी महाराज लक्ष्मण अवतार रूप में धरती पर पधारया। अब आप सभी लोगों की इजाजत हो और आप सभी लोग मैंने आदेश करें तो लगभग आधा घंटा लगेगा, नहीं जिनका मन है वो हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बाबूजी मेरे फेवरेट देवता है, इसलिए बाबूजी को जब गाना होता है तो मैं खुद बहुत आनंदित होता हूं। यहां से बहुत दूर उदयपुर जिले तक, उससे भी आगे बांसवाड़ा जिले तक, उससे भी आगे ठेठ डूंगरपुर जिले तक, शेखावटी में यहां से बहुत दूर चुरू, चुरू से आगे सीकर और सीकर के आगे झुंझुनू जो हरियाणा का बॉर्डर है, यहां से बहुत दूर जोधपुर, जोधपुर से आगे जैसलमेर। और मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूजी हुए पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन बाबूजी की कीर्ति जो है वो चारों तरफ चार कोट में बाबूजी महाराज का वरदान, बाबूजी महाराज की कृपा बरसती है। बाबूजी महाराज के जीवन की बहुत अमुख बातें आप सभी लोगों को, कई लोगों को पता होगी, शायद कई लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन एक दो घंटे की कथा मैं मात्र आधे घंटे में आधी गा के आधी बोल के आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सभी बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, युवा मित्रों की, सभी भक्तजनों की इजाजत चाहता हूं। जयकारा बोल के बोलो, बड़ी बाबूजी महाराज की, बली रूपनाथ जी महाराज की, बली झरड़ो जी महाराज की, शिव शंकर भोलेनाथ की, बली नागड़ी जी मात की, बली ओम बना सरकार की। जननी जने दाता ते शु नहीं तो रही बाजनी, हे तुमती गमा आराम से बैठ जाएं सभी लोग। अपने मारवाड़ में रणबंका राठौड़ा का जो मूल पुरुष हुआ, रणबंका जो राठौड़ क्षत्रिय कुल में है, तो राठौड़ा का पहला जो आदमी आया ये धरती पर, वे दक्षिण भारत से भारत ये अपने राजस्थान में वे प्रवेश कियो, और मारो नाम तो राव सिंहा जी। राव सिंहा जी बड़ा शूरवीर और बड़ा तेजस्वी व्यक्ति का धनी हा, और जब वे राजस्थान में पुष्कर जी में दर्शन करने वास्ते पधारया, तो पुष्कर जी में जब दर्शन वास्ते आया तो राव सिंहा जी रो मन अठे लाग गयो। कुछ समय में राजस्थान में रुक गया और बाद में राव सिंहा जी ने पाली बड़ो पसंद आयो, ये वास्ते राव सिंहा जी पाली रुक गया। मारवाड़ में रणबंका राठौड़ राव सिंहा जी पहला व्यक्ति के रूप में बसिया। राव सिंहा जी की पीढ़ियों में राव आस्थान हुआ, राव आस्थान रे बाद में राव दांदल हुआ, और राव दांदल रे आंगने में बाबूजी महाराज को जन्म हुआ।
बाबूजी महाराज के जन्म के पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। मैं आप सभी लोगों ने निवेदन करने जा रहे हो कि बाबूजी रे पिताजी रो नाम तो राव दांदल। राव दांदल रो ब्याह हुओ, राव दांदल री रानी रो नाम हो कमला दे। कुछ समय बाद में राव दांदल रे एक बेटे को जन्म हुआ जारो नाम हो बूढ़ो जी, और एक बेटी जन्मी जारो नाम हो पेमल दे। एक दिन मारवाड़ उचाल और गुजरात में पाटन एक जगह है, राव दांदल पाटन पधारिया तो एक तालाब रे किनारे, एक नाडी रे एक नाडोलिया रे किनारे, एक तालाब रे किनारे एक शाम रो वक्त हो, राव दांदल विचरण कर रहा घूम रहा अपने मस्त अपने धुन में। अचानक नजर पड़ी तो आकाश लोक सो आसमान सु एक इंद्र भगवान रो परियों रो एक इंद्र भगवान रे गर्री अप्सराओं रो एक रथ नीचे उतरियो। राव दांदल नजारो देखता गया, रथ उतरियो, रथ में चार पांच सुंदर परिया रथ नीचे उतरी, तालाब में नावण वास्ते गई। हमारे बीच में पूज्य संतों का आगमन हुआ है। हरिओम बाबू जी पधारो, जय हो, आदेश आदेश। राव दांदल तालाब रे किनारे किनारे खड़ा खड़ा वो नजारो देख रहा, रथ उतरियो, रथ में तीन चार पांच परिया नीचे उतरी, तालाब में नावण वास्ते गई। राव दांदल देखता रह गया। दूसरे दिन फिर ऐसी घटना हुई, शाम को समय फिर वो आसमान रथ उतरियो, फिर परिया नावण वास्ते गई, और उन परियों में एक परी पर राव दांदल मोहित हो गया। परी तालाब में जो नातर बाहर आई तो राव दांदल जाकर परी ने कह दियो कि आपकी जो सुंदरता है इन पर मैं बड़ो मोहित हूं, और आप यदि बुरो नहीं मानो, आप यदि ये बात रो बुरो नहीं मानो तो मैं आपने निवेदन करनी चाहूं कि मैं आपको ब्याह करनी चाहूं। अब देखिए परी तो इंद्रलोक की परी ही, वह राव दांदल ने कहो कि देखो ठाकुर साहब मैं इंद्र लोकरी परी थे मृत्यु लोकरा वासी, इंद्र लोकरे इंसान रे साथ में मृत्यु लोकरे को इंसान रे साथ में संबंध नहीं हो सके। आपरी बात आप कही, मैं आपरी कोई बात रो बुरो नहीं मान्यो, पर और रिश्तो हो नहीं सके, इस वास्ते मैं आपको माफी चाहूं। अब देखिए दोनों आपस में बातचीत करता, जितने कहीं हो कि मैं जो रथ जो है थो भी रथ रे उड़ने रो टाइम हो गयो, उन्हें समय पूरा हो गयो, बाकी वाली परियां बैठी रथ में और रथ तो बैठते ही आसमान में उड़ गयो। परी री नजर पड़ी तो रथ ने उड़तो वो जातो वो देखो, परी बड़ी मन में घबरा गई कि अब तो रथ तो उतर के उड़ गयो है, रात पूरी अब धरती पर रह गई, तो दूसरे दिन मने इंद्र रे भगवान रे घर में वापस जगह नहीं है, जाऊं तो जाऊं कटे अध बीच में फंस गई। अब रस्तो कोई हो नहीं, तब राव दांदल ने परी कहो कि चलो मैं अपनी बात राख लो, पर मारी ये तीन शर्ता है, थे मारी तीन शर्ता है, तीन कॉल मान लो, और थे मारा कॉल मान लो तो फिर मैं आपको ब्याह करने वास्ते तैयार। ये देखिए ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये इतिहासकारों का मत है, अब इसमें संशय भी हो सकता है। हमारे पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो भाटावली लिखी, जो पुराने लोगों ने जिस प्रकार से कथा को गाया, कई इतिहासकारों ने इस पर खोज करी, और उस खोज के अनुसार जो एक कहानी निकल के आई वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। इसमें यदि कहीं पर भी कोई बात है तो वो इतिहासकारों का मत है, जो लेकिन जो सार्वभौमिक है, जो सब लोगों ने इस बात को माना, वो बात मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं। कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहूंगा। परी पहली शर्त राखी कि देखो आप मुझे ब्याह करनी चाहो, तुम्हारी पहली बात कि गांव रे बाहर पासे मने एक थंबारो महल चुनाकर देनो पड़ेला। राव दांदल कहो कि मने मंजूर है। दूसरी शर्त कि आप जद भी महल में पधारो
आपने जद भी मऊ मिलने वास्ते आनो है तो बाहर दरवाजे रे अंदर घुसने पहला खेंकारो पटकनो पड़ी, कोई ऐलान देनो पड़ी, बिना चेताया थे अंदर नहीं आओला। पहला मन सचेत करोला, फिर आप अंदर पधारोला। पधारोला राव दांदला अभी बात मंजूर कर ली। और तीसरी और सबू खास बात कि थारे और मारे इस संबंध रो भेद ही दुनिया में आप किने नहीं बताओला, या तो थे जानो या फिर मैं जानू। राव दांदल ये भी शर्त मंजूर कर ली। पुराने जमाने में गंधर्व विवाह होते थे और राव दांदल ने उस परी के साथ में विवाह कर लिया। शर्त के अनुसार एक थंबा को महल चुना कर दियो। शाम रो वक्त हुए, राव दांदल अपने महलू निकले। रात्रे अंधारे में एक थंबी महल में जावे, बाहर हंकारो कर और अंदर प्रवेश करे। सुबह वापस जांजर का वापस अपने महल में आ जावे। समय अपनी गति सु बीतने लागो। समय बीतने रे साथ में परी री आस ठहरी और कुछ समय बाद में उन्हीं जी परी रे गर्भ सु बाबूजी महाराज को जन्म हुआ। बोले बाबूजी महाराज। लक्ष्मण अवतार बाबूजी महाराज इंद्र भगवान री इंद्र लोकरी अप्सारे अप्सरारे गर्भ सु धरती पर प्रकट हुआ। बड़े लाडा कोडा सो वो परी अपने बेटे रो पालन पोषण कर रही है। दो पांच सात महीना बीता, थोड़ो सो समय बीतियो। अब दांदल रो कोई रिवाज हो, शाम रो निकलनो सुबह आनो, शाम रो निकलनो सुबह आनो। कुछ समय बाद में राव दांदल री जो पहला वाली पत्नी थी उन्हें मन में प्रश्न खड़ो हो गयो। काई माता बेटे बहुत ध्यान से सुनना। रानी ने मन में प्रश्न आयो कि रात्रा हमेशा जावे, सुबह जांजर का पाछा आवे, बतावे कि है नहीं कि कठे जावे और कितनो समय बीत गयो, आखिर में पतो तो लगाओ कि जावे कठे। शाम रो वक्त राव दांदल जो महलू नीचे उतरिया है, परी भी पीछे पीछे, वह जो रानी भी थी वह धीरे धीरे पीछे करना शुरू कर दियो। आज तो मैं पतो लगा रहूला कि आखिर में मिस कॉल जावे कटे है। दांदली मन में विचार करता करता कि कितना समय बीत गयो, इतना टाइम बीत गयो, आज तक बिना चेताया मैं कभी महल में नहीं गयो। आखिर में इतो बड़ो महल है, एक तो जीव आ और एक वो छोटो सो बालक, आखिर में दिन भर आ परी महल में कहीं करे। अब संजोग ऐसो बैठो कि जिन दिन दांदल री रानी पीछो कियो, उन्हीं दिन दांदल रे मन में वो सवाल आ गयो कि आज मैं बिना कोई चेताया अंदर जार देखो कि कहीं करे। दोनों संजोग एक साथ में बैठा भक्त लोगों, दांदल बिना चेताया जो ही महल ने अंदर प्रवेश कियो, आगे जाकर देखे तो वह परी जो ही बस सिंगणी रो रूप धारण की ओड़ो बाबूजी ने दूध पिला दिए। अपने बेटे ने सिंगणी रे रूप में दूध पान करवा रही है, स्तनपान करवा रही है। जो ही दांदल अंदर प्रवेश कियो और परी पर जो ही नजर पड़ी, परी री नजर राजा पर पड़ी तो परी अपने मूल वेश में आ गई। बोले राजा ठहरो, थारा मारा कॉल आज खत्म है। क्योंकि थारो मारो कॉल हो कि बिना चेताया कभी अंदर नहीं आओ और आज आप बिना चेताया अंदर आयो, ये अपनी कॉल की ये कॉल आठे खत्म होयो। अब मने मारे ठिकाने जानो है, आप रो बेटो आप संभालो। दोनों की बातचीत चलते चलते जितने बार रानी भी पीछे पहुंच गई, परी जो ही अपने मूल वेश में आकर अपने उड़ने की तैयारी की, उसी समय छोटा सा बाबू जी अपने मां रो हाथ पकड़ लियो। बोले मां, ये दुनिया में मने आप लाया पर यो बीच में छोटी उम्र में छोड़ करके कर जा रहा हो। आप मां हो, मैं आप रो बेटो हूं। और देखिए मां के सामने जब पुत्र ने ये किया तो मां की ममता उमड़ पड़ी, आंखों में आंसू आ गया। बोले बेटा, पिताजी थारा कॉल नहीं रख पाया, मने जानो पड़ेला, पर चिंता मत कर, मैं अपने खोड़ा में थने नहीं रमा सकी पर मैं अपनी पीठ पर थने खिलाऊला, ऐसो वचन कर।
परी उसी समय अपने इंद्रलोक की तैयारी की। रानी कमला दे मन में विचार की कि छोटो सो सुंदर सो बालक है और कीरे भरोसे ई वास्ते रानी कमला दे बाबू जी ने अपने दूसरे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे बाबू जी का बड़ा भाई बूढ़ो जी, बहन पेमल दे और बाबू जी तीन ही एक ही आंगने में खेलता कूदता मोटियार हो गया। समय गयो पतो ही नहीं लागो। अरे सुरसती शिवनु देवी शारदा हो देवी शारदा हो शिवरो देवी शादी भावो देवी शादी भावो लागू सुंदरा जी रे पा एक कथा सुनावो बाबू वीर की रे भाई रे वीर की रे एक घटी उपी जावो कथा सुनाओ बाबू वीर की रे जुग में वीर की रे जी घटी उप जाओ एक कथा सुनाओ बाबू वीर की रे बाबू वीर की हो बोली बाबू जी महाराज की। अब देखिए धीरे धीरे समय के साथ में बाबूजी मोटियार हो गया, बड़ा भाई बूढ़ो जी भी मोटियार हो गया, पेमल भी बड़ी हो गई, बूढ़ो जी रो ब्याह हो गयो। एक दिन बूढ़ो जी बाबूजी ने कहो कि देख भाई अपनी बहन ब्याह जोगी हुई है और इरो रिश्तो करनो इरो ब्याह करनो अपने बराबरी का कोई सरदार देखना और तू कहे तो अपने घर में जो ए जिंदराओ जायल रो खींची जिंदराओ रो परिवार अपने घर में मोटो है और अपने बराबरी रहा तू कहे तो जिंदराओ रे साथ में अपने बहन रो लगन कर दा। बाबू जी ने बात पसंद नहीं आई, बाबू जी बात तो सहमत नहीं होया। बाबू जी ने रात में एक दिन सपनो आयो, बाबू जी री माँ जो परी ही बात सपने में आर कहो कि बाबू मैं तने अपने पीठ पर रमाने रो वचन दियो थो और देवल भाई रे घर में मैं कालवी रे रूप में घोड़ी रे रूप में आई हूं, मैं चाहूं कि तू प्रभात में आकर माऊ मिल ले। बाबू जी सुबह सुबह बेगा उठा है और अपने मारो सपनो जो आयो सपने ने देखने वास्ते देवल भाई चारणी रे घर में ज्यों गया और जैसे ही बाबू जी री नजर घोड़ी पर पड़ी बाबू जी ने मन में ऐसा भाव आयो कि ये मेरी माँ है और घोड़ी री नजर जो ही बाबू जी पर पड़ी तो बाबू जी रे ऊपर देखकर घोड़ी रे आंखों में आंसू टपक पड़ा। घोड़ी रे मन में अपने माँ की एक जो ममता थी वो पुत्र के लिए झलक पड़ी। बाबू जी जार देवल भाई ने हाथ जोड़ कर कह दियो कि देवल भाई सा अरे पूरी नी पूनम री रे रात बाबू पुती ने पूनम री रे रात बाबू जी आया रे देवल रे थोमना रे जी दोनों हाथ उठा दे पूरी ने पूनम दी
लाख काबू पूरी ने पूनम जी तेरा ए बाबू जी आया रे देवर रे पौमना रे जी ए पूरी ने पूनम जी रे लाख काबू पूरी ने पूनम जी तेरा बाबू जी आया रे देवर रे पौमना रे जी समरीत जायो माथे ताल दीरे जी बिछाई फुलडोरी रे चिजत बड़ भाई बिछाई फुलडोरी रे केसर ने अंतर रानों के छोटे नारे जी कई करू मनडारी रे बात देवल भाई कई करू मनडारी रे बात एकने ने केवू ने कुण सांबले रे जी एक कई करू मनडारी रे बाबू कई करू मनडारी रे बात एकने ने केवू ने कुण सांबले रे जी देवल भाई साहब जाति रा चारण था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बीच में कहीं बात यदि मिस हो गई ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था। और मैं चाहता हूं कि बाबू जी थोड़ा सा मंच के आगे, थोड़ा सा भाई साहब, थोड़ा सा सर मंच के आगे से ये सब कुछ इनको कोई कहो। थोड़ा मंच के आगे से थोड़ा सा डिस्कस ना करें, धन्यवाद। देवल भाई जाति का चारण हा। देवल भाई के पति को नाम तो भीमदान जी और बाबू जी की जो गौशाला थी रावलेरी, भी रावलेरी गौशाला का कामदार था भीमदान। देवल भाई साहब जब अचानक देवल भाई सारे घरे बाबू जी पधारे तो देवल भाई साहब चकित रह गई कि आज अपने घर में एक बनासा के घर आया, एक कुंवर सा अपने घरे के घर आया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले कुंवर सा आप अचानक सुबह सुबह आया, कई बात है? बाबू जी हाथ जोड़कर कहे होगी, हे देवल भाई साहब अथारे जो केसर काली घोड़ी है आप मने दे दे रहा हूं। इतनों कहते देवल भाई साहब धर्म संकट में आ गई। क्यों आई? क्योंकि मात्र कुछ समय पहले बाबू जी रा जो बहनो ही हा जिंदराव, देवल भाई साहब केसर काली घोड़ी जिंदराव ने देने रो वचन कर चुकी थी। और आज बाबू जी घोड़ी मांगी तो देवल भाई साहब धर्म संकट में आ गई कि घोड़ी री देने रो वचन तो जिंदराव ने दियो है और आज यदि बाबू जी ने घोड़ी दे दी तो ये साला बहनों ही आपस में झगड़ो पड़ जावेगा और झगड़ो मारे कारणों वेला रावण में राड वेला और आ राड मारे ऊपर आवेला। इसलिए देवल भाई साहब वचन जब बाबू जी कहो तो देवल भाई साहब बहानो बनाए। बोले कौर साहब घोड़ा घोड़िया तो घना ही था
पर अब है नहीं। काई बोली एक बार जयकारा बोल के थोड़ा जगने का परिचय दे। बोली बाबू जी महाराज की एक घोड़ा मारे होता रे चार बाबू घोड़ा मारे होता रे चार घोड़ा मारे होता रे चार बाबू घोड़ा मारे होता रे चार एक तोले प्यारे रुड़ी चे रामदेव जी लारे घोड़ा रे गा रे तीन बाबू लारे घोड़ा रे गारे तू जो डोले प्यारे रावण मान देव जी ए लारे घोड़ा रे गा कोई बाबू लारे घोड़ा रे गारे दो ती जो डोले प्यारे भोजे बागड़े रे जी ऐसा नाना प्रकार का बहाना बनाया। जय हो मां छांट गालो सा थोड़ी छांट गालो। सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ चाहिए। बाबूजी ने मन में पतो लागियो कि देवड़ भाई साहब कोई न कोई धर्म संकट में है, बाकी मना आ कर नहीं सके। बाबूजी देवल भाई सारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि हे मां, शब्द क्या बोला कि हे मां तू शक्ति है और मैं क्षत्रिय हूं। हे मां आज थारे आंगने में थारे द्वारे पर एक क्षत्रिय आए। हे भाई साहब वो सर आज ये तो भाव है, भाव से गाएंगे तो भाव भी आएंगे, भाव का ही आनंद है और भगवान भाव में ही है। वापस ध्यान सभी का इधर हो तो मैं गाऊं आगे। बोली बाबूजी महाराज की बाबूजी देवल भाई ने सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले हे मां, शब्द क्या बोला, हे मां मैं क्षत्रिय हूं तू शक्ति है, आज क्षत्रिय थारे आंगने पर आयो है और तू मने खाली मत भेज। हे मां पुकार सुन कई बोलिया, अरे क्षत्रिय कुल रे थोड़ा हाथ उठा ले पूरे आई तेरे पगोरे पागड़े रे जी ए सिमरो खाना रे वाली धार भवानी सिमरो सुंडे रे वाली धार भारत में सिमरो रे भवानी काल तारे जी परम नावो हे परम नावो पावन रे भाई भाई परा मना वो भावन रे दी
एक तो मनावो फेरेरो एक लोरे जी एक तो मनावो एक तो मनावो दूधली दो खेत लोरे जी एक तो मनावो खेड़ेरो खेत लोरे जी बोली बाबू जी महाराज की। जब बाबू जी ने हाथ जोड़ दिया तो शक्ति के मन में भी आया कि आज खाली हाथ शक्ति बाबूजी ने आशीर्वाद दियो। खूंटे पर जाकर कालवीर लगाम खोलकर बाबूजी ने हाथ में थमा दी। बोले जाओ बाबूजी ये आपने घोड़ी आपने ले जाओ। बोले बाबूजी महाराज थोड़ा सा विराज ना। अब देखिए घोड़ी दे दी बदले में बाबूजी देवल भाई ने वचन दे दियो कि हे बहन आज मैं थारे घरे खाली हाथ आयो पर ते मन खाली हाथ पाछो नहीं भेजो। बोले आजो आप मारे धर्मरी बहन हो थारे जीवन में कदी भी अबकी पड़े थारी जिंदगी में कदी कोई समस्या आए और भाई ने याद कर दिए भाई थारी कोई भी मुश्किल में कोई भी अबकी में थारे साथ में खड़ो उबो रहला आज वो क्षत्रिय रो रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाई पर वचन ना जाई वो वचन है। बाबू जी देवल भाई से ने वचन दे रावड़े पदार गया घोड़ी ने लिया बाबू जी रो केशर कालवी घोड़ी सु बड़ो लगाव हो। बाबू जी सुबह शाम सुबह 2400 घंटा अपनी निगरानी में कालवी की सेवा थोड़ा सा पीछे से कालवी की सेवा करता। कालवी एक एक कदम कदम पर बाबू जी के साथ में खड़ी। मां और पुत्र को जिस प्रकार को स्नेह है मां पुत्र के प्रति जिस प्रकार की ममता है और पुत्र रो मां रे प्रति जो सम्मान है बाबू जी और कालवी रे बीच में इस प्रकार को रिश्तों बन गयो। थोड़ा दिन आड़ा पड़िया और जिंदराव देवल भाई रे घर में आ पहुंचे फड़े पर बाहर देखी वो अज्ञानी आदमी था फड़े पर आकर आवाज लगाई बोले ओ देवल भाई मारी घोड़ी रो वचन कियो मारी घोड़ी खूंटे पर खोल कर मारे हाथ में ला दो। देवल भाई वचन हार हो गई। देवल भाई को लागो कि अब इन्हें कहीं जवाब देनो है पर देवल भाई से बड़ी विनम्रता से जाकर कहो कि हे पावणा आप तो रावड़े रा जमाई हो पर घोड़ी तो आपरा साला जी पाबू जी आया और पाबू जी ने आवश्यकता थी मैं घोड़ी तो पाबू ने दे दी। इतनो बोलते ही जिंदराव रे अंदर में आग लग गई। बोले कि ये देवल भाई धोखा किया कालवी घोड़ी पर सिर्फ जिंदराव रो अधिकार हो और तू चारणीरी बेटी है लेकिन ते वचन हार हो गई आज मैं थने माफ नहीं करूला और घोड़ी तो जिंदराव रे खूंटे पर बंदेला मैं भी देखो कि बाबू कने कितनी ताकत है घोड़ी ने राखने री क्योंकि कालवी घोड़ी पर सिर्फ और सिर्फ जिंदराव रो अधिकार। तलवार हाथ में ले जिंदराव सीधो अपने सासरे पहुंचो रावण रे नीचे खड़ो खड़ो आवाज लगाई बोले बाबू बाहर आओ ये घोड़ी मारी है और घोड़ी चुपचाप खूंटे खोलकर मने सौंप दे। बाबू जी कहो कि हे बहनोई जी हे बड़ा लाडका हो मारी बहन का वर हो थारे कोई भी चीजें मारे पूरे रावण में जितना भी घोड़ा घोड़िया है वे सारी ले जाओ पर मैं अकाल भी घोड़ी आपने नहीं दे सको आपने माफ कर दे रहा हो। अब जब इतनी बात करती वो कालवी घोड़ी के कारण बाबूजी और बाबूजी रे साला रे बीच में राड़ हो गई बाबूजी रे बहनों रे बीच में राड़ हो गई। जिंदराव लाख कोशिश करी राठौड़ रानी रे साथ में रमण करने रे बाद में भी जिंदराव केशर कालवी घोड़ी ने बुला नहीं पाए। हर समय मौका देख दो जद भी मौको देख तो बाबू जी पर हमलो कर दो बाबू जी के घरवालों पर हमलो कर दो कैसे भी करके वो झगड़ो इतनो बढ़ गयो कि बाबू जी और बाबू जी रे बहनों के बीच में बड़ी दरार पड़ गई मोटी खाई पड़ गई बोल चाल बंद हो गई। तेमल ने पीहर पर पाबंदी लगा दी। अठीने समय बीतने रे साथ में पाकिस्तान में जगह है अमरकोट तो बाबू जी रे सावेरो नारेल आयो
बूढ़ो जी गयो कि भाई मारी उम्र हो चुकी है, बरात में मैं नहीं आलू, रावड़े में कामकाज लारे घणो है, मैं संभालो पर आप पधारो। बाबू जी बरात में अमरकोट पधारा लेकिन जिंद राव ने भी समाचार कियो नहीं, बहनों ने भी ब्याह में बुलायो नहीं, जिंद राव ने ई बात रो भी दोरो लागो, झगड़ो और तगड़ो हो गयो। अठीने बाबू जी बरात ले गया, जिंद राव अपने भाईयो ने भेड़ा किया कि अपने अपमान रो बदलो तो लेनो पड़ेला, और रात्रा वक्त नागौर जायल सो अपने भाइयों ने ले और बाबू जी रे गांव पर, बाबू जी रे बड़ा भाई बूढ़ो जी पर हमलो कर दियो। बूढ़ो जी रे ऊपर तलवार खींचकर खड़ो हो गयो कि थारो छोटो भाई है बाबू, और आज थने बचावन वास्ते वो नहीं आवेला क्योंकि वो तो बरात लेकर गयो है, या तो काड़वी घोड़ी रो वचन दे दो नहीं तो माथो अठी में बाडूला। बूढ़ो जी डरता कांपता बोले कि देख बाबू रो विषय है, आप बाबू री बात है, मारे हाथ में नहीं है, पावना कोप मत करो, बाबू आवे जब सलटा रो करा बैठ। अपने भाइयों में विचार कियो कि आखिर में क्या करे। एक भाई बड़ो खुशबादी हो बोले कि बाबू रो गायों बड़ो प्रेम है, और आ राड सारी जो लगायड़ी है बा जिंद राव रे जो राड लागी है बस सारी राड देवल भाई ने लगायड़ी है, क्यों नहीं देवल भाई ने सबक सिखाया जावे। रात्रा ही सारा जिंद राव रा भाई रात्रे अंधेरे में गौशाला में गया, देवल भाई रा जो पति था भीमदान और वे जो कुटुंब था वो पूरो 24 भाई था सारो, जिंदराव रो पूरो कुटुंब वे 2400 भाइयों पर सुतोड़ पर वार कर दिया, 2400 ने मार दिया। गौशाला री सारी गायों ने घेर कर नागौर की तरफ ले चढ़ा, देवल भाई सा और देवल भाई सारे परिवार ने लुगाया, सुबह जल्दी उठती गाया दुवण वास्ते जावती, और बी दिन सुबह देवल भाई सा जब गाया दुवण वास्ते बाड़े में आई तो चारों तरफ खून ही खून बिखरेड़ो पड़ो, चारों तरफ लाशा ही लाशा पड़ी, एक भी गाय एक भी बाछड़ियो एक भी केरड़ो गाय गौशाला में नहीं। तो देवल भाई सा जब छोड़ सो चानो हो तो जब नजर पड़ी तो चारों तरफ लाशा ही लाशा चारों तरफ खून ही खून बिखरेड़ो पड़ो, अचानक नजर अपने पति री लाश पर पड़ी। देवल भाई साहब भागी भागी जाकर रावड़े में जाकर फरियाद लगाई, बोले भाई बाबू ते तो मैंने वचन दियो हो कि थारे कभी अबकी पड़े तो भाई ने याद कर दे, इनु मोटी अबकी मारे नहीं पड़ेला, मारो तो सुहाग उजड़ गयो। बूढ़ो जी सुबह सुबह प्रभात में उठकर बाहर आया, बोले देवल भाई साहब क्यों रो हो, बोले रोवो नहीं तो कहीं करो, मारो पूरो जीवन उजाड़ दियो, मारो चूड़े चूनड़ी रो ठाट बाट लारे रह गयो, मारा भाई बाबू ने बुलाओ। बूढ़ो जी कहा कि मैं बुलाऊं तो किकर बुलाऊं, बरात तो घनी अड़गी गई है। तब शक्ति अवतार, देखिए सुनना आप लोग, शक्ति अवतार देवल भाई सुगन चिड़ी रो रूप बनायो और अपने सत्रे बल पर सुगन चिड़ी बनकर वहां से उड़ी। अमरकोट में जटे बाबूजी रो सासरो हो उस गढ़ के कंगूरे पर जाकर जोरदार कुरलावन लागी है, रोवन लागी है। बाबूजी चमरी में फेरा खा रहा, देवल भाई घोड़ी केसर काल की घोड़ी देवल भाई रे घर में मोती हुई, और जब लागो कि आ मारी धनियाणी आज जो मने जिन घर में मैं मोती हुई मां विविध रूप में चिड़ी रे रूप में आई और रोवे है, आखिर में कोई न कोई बात जरूर हुई है, घोड़ी अपनी जगह पर नव नव ताल कूदे। बाबू जी रे साड़ा हार चांदो जी ने कहो कि थारी घोड़ी ने थोड़ी काठी पकड़ो, काई बोले अरे कालवी काठेरी रे, से सुनना मोहन जी थोड़ी देर सामने बैठ के सुन लो इसको, अरे कालवी काठेरी रे ए राख चौंदा कालवी काठेरी रे, राख चौंदा कालवी काठेरी रे ना
बनो तोड़े मर हर भी काच हो रे जी काल भी काठेरी रे राख चौंदा काल काठेरी बेरा ए बांगणो बांगे मर हर भी काच रो रे जी दोनों हाथों को उठा कर बोलना बड़ी बाबू जी महाराज की चांदे जी पाछो जवाब दियो बोले कि हे हे अरे कोनी हे घोड़ी रोके कोनी हे घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी हे घोड़ी रो रे दो ये देवल तू के हे गडरे कांगड़े रे जी है घोड़ी रो रे दोष मारे कोनी है घोड़ी रो रे दो ए देवल तू के हे गडरे कांगड़े रे जी देवल भाई जवाब देवल भाई ने जब रोती देखी तो चांदे जी पाछो जवाब दियो कि हे गिनाए तो इनमें मारे घोड़ी रो दोष नहीं है आ तो देवल बाई कोनी है घोड़ी रो मारे दोष आ तो देवल टूके है गडरे कांगड़े तो देवल बाई आया है और देवल बाई ने कोई कोई बिखो पड़ो है जब घोड़ी कूदे है कि मारे घोड़ी रो दोष नहीं है। बाबू जी का तीन फेरा पूरा हुआ और बाबू जी ने आवाज कानों में आवाज पड़ी देखिए किस प्रकार तीजो फेरो हे तीजो फेरो अरे तीजो फेरो चवरिया रे माय बाबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ ए चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाटियो रे जी तीजो फेरो चवरिया रे माँ बाबूरो तीजो फेरो चवरिया रे माँ चौथोड़ा फेरा में पल्लो बाटियो रे जी अपने मारवाड़ में चार फेरों में ब्याह हुए पूरे देश भर में हिंदू समाज में सात फेरा हुए पर अपने मारवाड़ में चौथे फेरे भाई सा हुआ पराया क्यों बाबूजी ने जिस दिन चौथे फेरे में तलवार से छेड़ा पल्ली काटी उस दिन से अपने मारवाड़ में परंपरा चल गई बाबूजी के पीछे की परंपरा चल गई कि चौथे फेरे में ब्याह पूरो तीजो फेरो चमरिया रे मां और चौथोड़ा फेरा में पल्लो जब जो छेड़ा पल्ली जब काट दी तो अचानक बाबूजी रे सासरे आलो ने मन में चिंता हुई कि कोई ना कोई बात जरूर है ये कंवर साहब बीच में चमरी में ही वो कई मामलो करियो हैं तो बाबूजी रे साड़ा है बाबूजी रे साड़ियां है बाबूजी रे ससुराल वाला जितना भी ससुरो है सासू है सारा लोग बाबूजी रे ओली दोली आकर खड़ा हो गया बोले कि कंवर साहब कई बात हो गई मारी कोई चाकरी में चूक है मारी बहन में कोई कमी है कोई मान मनवार में कोई बात रह गई है तो आप कोप मत करो ना मारी बहन की जिंदगी रो सवाल है वो कहीं छेड़ा पल्ली काट करके आओ कहीं कर रहे हो अब देखिए बोलिया अरे कहीं देखियो काई देखियो सोडी में चूक बनोई जी काई देखियो सोडी में चूक अरे केड़ा का माने पल्लो बाटियो रे जी देखियो सोडी में चूक बनोई जी काई देखियो सोडी में चूक अरे केड़ा का माने पल्लो
आला पंगड़े अरे आला पंगड़े घोड़ी री लगाम बबूरा हाड़ा घोड़ी री लगाम ए हाड़िया बिलू में पगड़े पागड़े रे हलो पदा हलो पदा महलो रे रे माय बनुई जी हलो पदा महलो रे रे मा कू कू के शरदा नौखो छोड़ना हो जी सारा जतन किया पर बाबू जी ना मान्या तो ना मान्या। कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पगा पड़ रहा है, बोले बहनों जी मारी बहन रे साथ में अन्याय ना करो, कोई भी बात है लेकिन फेरा पूरा होने रे बाद में कर जो, पर बीच में ये काम मत करो। बाबू जी जब ये बात सुनी बाबू हमारे बीच में मंदिर के मुख्य भोपा जी बाबजी रिड़जी महाराज और वक्ताराम जी महाराज हमारे बीच में पधार रहे हैं, जो बाबू जी के सदियों से भक्त रहे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार एक बार जयकारे के साथ में महाराज जी का अभिवादन करें, व्यवस्था भंग ना करें, बैठ जाएं सब लोग, बस बैठे बैठे हाथ जोड़ दें महाराज के चरणों में। बोली बाबू जी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, बोली बागोरिया मम्मा की, आदेश 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 आदेश। हमारे बीच में बाबजी वक्तवरनाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकारा बोल दें। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की, बोले गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। अब वापस कथा की तरफ आ जाओ, चले आज सारा लोग मना मना कर हार गया, लेकिन बाबू जी कहो कि नहीं मैं छत्राणी रोज आयो हूं, मैं छत्राणी रोज आयो हूं, आज मारो कॉल जा रहे है, ब्याव तो जीव तो रहो तो कर दू ला, आपकी बहन ने ले जाऊला, पर आज यदि मैं वचन हूं हार गयो तो मारे जीवन पर कलंक लाग जावेला, मैंने जानो पड़ेला। किस प्रकार से देखिए यहां पर सावतसुदा डेमो जी महाराज का भी मंदिर है। बाबू जी के जीवन में दो जातियों का बड़ा विशेष महत्व रहा। एक समाज के लोग, आप सभी लोग बैठे हो देवासी कुल, और दूसरी जो जाति वो भील जाति के चांदोजी डेमो जी, इनका बड़ा महत्व रहा उनके जीवन में। अब देखिए किस प्रकार से, अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बबूरी, एक बार दोनों हाथों को उठा लो, घोड़ी खेले अंका शोरे माय बबूरी, घोड़ी खेले अंका शोरे माय
घोड़ी खेले आकाशा रे माए पबूरी घोड़ी खेले आकाशा रे माँ। अरे चांद जी तू दे बड़ गड़ रे चांद रे घोड़ी खेले आकाशा रे माए पबूरी घोड़ी खेले आकाशा रे माँ। अरे डेम्बो जी चाल्या है उन रे साथ में बोजी बाबूजी आकाश मार्ग में अपनी घोड़ी ने उड़ाता उड़ाता गांव पहुंचा गांव पहुंचा गांव पहुंचा गांव पहुंचा गांव पहुंचा सारी खबर ली हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर चांदो जी डेमो जी ने साथ में लेकर और शक्ति को आह्वान करके बाबूजी मन में संकल्प कर लियो कि आज तो बली बहन को वर जाए तो जाए लेकिन यदि उसने अन्याय किया है तो बाबू उसको नहीं छोड़ेगा और जब रवाना हुआ तो बाबू जी की मां आड़ी फिर गई बोले प्रभु मने पतो है कि तने बड़ो क्रोध है मने पतो है कि तू बड़ो सत्यवादी है न्यायप्रिय है पर हे बाबू अभी ध्यान रखे कि सामने जो आदमी है वो तारी बहन रो सुहाग है ऐसो कोई काम मत कर जे कि तारी बहन ने जिंदगी पर विधवापन रो भार उठनो पड़े। बाबू जी अपनी माँ ने वचन दे दियो क्योंकि माँ आड़ी फिरी तो माँ ने वचन देना जरूरी। बाबू जी बोले कि माँ आप चिंता ना करो पर उसकी करनी की सजा तो उसको मिलनी। अब देखिए किस प्रकार ए बाबू जी चढ़िया चढ़िया एक बार पूरा कदर हाथों उठा ले भमर भालोली मोहा बाबू जी कड़ी बांधा बख्तर ने तलवार बख्तर ने गलती थाल दी निहार बाबूजी फूगा फूगा इमारा काकड़ बिचिरे माय जाए बिचिने हेलो माय बाबू जी पूरा पूरा ईमानदारे माय ईमानदारे माय जाए बिचिने हेलो माय।
बाबूजी और बाबूजी ने साथ में दो सूरा पर भूमि पर दुश्मन की धरती पर जाकर जिंदराम ने ललकारियो। जिंदरावरा सब भाई सामने खड़ा, रणभूमि में घमासान मचो है, चारों तरफ लोहिरी नदियां बह गई। लेकिन बाबूजी ने शक्ति रो वरदान हो, बाबूजी पर मां भवानी की कृपा ही, क्योंकि बाबूजी सत्य के साथ में खड़े थे, बाबूजी गौ माता के साथ में खड़े थे, बाबूजी अपने वचन के कारण अडिग थे और इसलिए बाबूजी विजयी हो गए। सारा जिंदरावरा भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले कि माफ कर दो, आज के बाद में आपके गांव की तरफ नहीं देखेंगे, जिंदराव पैरों में लौट गयो। ओ मेरो जी, मेहराराम जी आए हैं क्या? आओ आओ मेहर जी, आओ हमारे मेहर जी भी आपके देवासी समाज के बड़े कर्मठ झुंझारू नेता है, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। अब देखिए बाबूजी जय जिंदराव पर बार करने लगा, अचानक बाबूजी ने अपने मां ने दियो वचन याद आयो कि आज गलती नहीं करूंगा, पधारो मेहर जी पधारो। आदरणीय मेहरा राम जी हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं, जय हो आपको, जय हो जय हो जय हो, पधारो। लेकिन सजा तो देनी, तो नाक में नकेल पहराई जिंदरावर, नाक में नकेल पहरा कर रस्सी बांधो और रस्सी बांधी काड़वी रे, आप ऊपर सवार हुआ और कहीं किए देखो। बाबूजी दोनों हाथों को उठा के, बाबूजी 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 घाली घाली नथनी ना करे माया, नथनी ना करे माया, बांधे के शरीरे लारे कीची, बाबूजी घाली घाली नथनी ना करे माया, नथनी ना करे माया, आए बांधे के शरीरे लारे कीची, खींची दूजे को काल जियो कम पाया, काल जियो कम पाया, अरे आए पकारे माई लो ए माड़ी वो छतरी कुड़े रे, ए माड़ी वो छतरी कुड़े रे, बेले बेगिया बेले बेगिया, बाबू रे आई जी पा। एक बार बैठ जाए, बस सब लोग बैठ जाए एक बार, बस ये लास्ट है, सुन ले लास्ट, बस मात्र डेढ़ मिनट बाकी। जिंदराव पगों में आकर पड़े हो, बाबू जी बोले जा माफ कियो, क्योंकि जो शरणागत होता है क्षत्रिय की यही पहचान होती है, क्षत्रिय शरणागत पर कभी वार नहीं करता। जिंदराव जब शरणागत हो गए हो, बाबू जी माफ कर दिए, बोले जा, और ऐसा माफ करके बाबू जी जो ही अपनी घोड़ी ने घुमाई वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जिंदराव को तो बदला लेना था, जिंदराव ने हाथ में एक तलवार हाथ में नीचे धरती पर पड़ी हुई मिल गई, बाबू जी जो ही घोड़ी ने घुमाई, जिंदराव वो तलवार लेकर घायल अवस्था में भी उबो हुआ और पीछे जाती हुई केसर काल की घोड़ी पर बाबू जी ने पीछे धोखे से गले पे वार कर दी। कई इतिहासकारों का मत है कि बाबू जी इस प्रकार से बाबू जी
के साथ में नहीं हुआ। बाबूजी ने जब अपना कार्य पूरा किया तो केसर कार जी घोड़ी सहित बाबूजी आकाश लोक की तरफ गमन कर गए। लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि युद्ध भूमि में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब देखिए इसके आगे की छोटी सी बात, ये जब युद्ध की बात हुई तो ये बात खरे बूडू जी कने गई, तो बूडू जी भी अपने भाई रे वास्ते हाथ में तलवार लेकर उम्र दराज आदमी हा, फिर भी युद्ध भूमि में आया, पर जिंदराव बूडू जी ने भी मार दिया, दोनों भाइयों ने खत्म कर दिया। बूडू जी रे घराली रे पेट में 9 महीना रो टाबर हो, और वो छत्राणी ही जब पतो लागो कि जिंदराव ने ये किया तो भाभी हाथ में कटार लेकर आई, जिंदराव से लड़ी। लेकिन जब जिंदराव की शक्ति अधिक मालूम हुई तो बोले थारे दुष्ट थारे हाथ तो नहीं मरो, मारे पेट में मारे पति की निशानी है, ये छत्री राठौड़ कुल की निशानी है, और तने मारे नजदीक नहीं आवन दो। उस छत्राणी ने स्वयं अपने हाथ से कटार से अपने पेट को चीर कर उस बच्चे को जन्म दिया। बलि झरड़ो जी महाराज, उस बालक का नाम हुआ झरड़ो जी, पेट को झरड़ देकर आए। और झरड़ो जी जब मोटियार हुआ तो उसको बदला लेना है देना था। झरड़ो जी मोटियार होकर पूर्ण शक्ति के साथ में जिंदराव से लड़े, जिंदराव रो माथो बाट कर अपने पिता अपने काकेरे हत्यारे जिंदराव को बदलो लियो, और अपने कार्य को पूरा करने के बाद में वो नाथ संप्रदाय में दुनिया में इस दुनिया से विरक्त होकर नाथ संप्रदाय में चले गए। और वे झरणो जी बाद में रूपनाथ जी महाराज रे नाम से ये दुनिया में भक्ति की, जानो नाम ये दुनिया में अमर है। जठे जठे बाबू जी रो गुणगान की जावे, साथ में चांदो जी देमो जी देवल भाई साहब, और उसके साथ साथ में झरणो जी महाराज रो जिक्र, रूपनाथ जी महाराज रा पाड़िया, रूपनाथ जी महाराज रा मंदिर, झरणो जी री पाड़ राजस्थान में विभिन्न कोनों में आज भी बने हुए हैं। जहां जहां बाबू जी का मंदिर है साथ साथ में रूपनाथ जी महाराज का भी मंदिर है। एक बार मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर एक बार अंतिम जयकारा बोल दें, बोली बाबू जी महाराज की, बोली रूपनाथ जी महाराज की, और अंत में ए बीरा मारा बाबू जी नो। जग में अमर नाम, जग में अमर नाम, राठौड़ी में पूजी देश, हे तेरा मारा दुदली काम, बड़ियो सुंदर था हिस्सा मत गाओ, हे तेरा मारा दुदली काम, में बड़ियो सुंदर था, अरे जागरण जगाई बाबू जी रे नाम, ए संत पधारा भाव, ए देवासी पधारा भाव, क्योंकि ये देवासी समाज का कार्यक्रम है, लेकिन बड़ी विशेषता ये है कि यहां पर 36 कौम के लोग बैठे हैं। जहां पर एक तरफ पूरे देश भर में जातिवाद की आग लगी हुई है, जहां पर जातियों में विभक्त करने में हिंदू समाज में जातियों में बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जो कई सदियों से चला रहा, लेकिन अभी वो षड्यंत्र प्रबल रूप से चल रहा, उस समय ये बहुत बड़ी विशेषता है कि दुदली की इस धरती पर यहां पर चौधरी भी बैठे हैं, यहां पर देवासी भी बैठे हैं, ये माली भी बैठा है, तो प्रजापत भी बैठे हैं, कोई बेगवाल भी होंगे, कोई भील भी होंगे, एक जाजम पर ये बाबू जी के सभी भक्त यहां पर बैठे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये गांव की समरसता एकता कायम रहे, और बाबू जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बरसता रहे। इसलिए ए बीरा मारा बाबू जी रो, जग में अमर नाम, जग में अमर नाम, राठौड़ी ने पूजी दे, राठौड़ी ने पूजी दे।
बोली बाबू जी महाराज की। दो तीन जानकारी मैं आप सभी लोगों को यहां जरूर देना चाहता हूं कि यहां से बहुत दूर सीकर जिला है, सीकर में एक कस्बा है फतेहपुर नाम है उसका, फतेहपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर पर एक बाबूजी का धाम, उस गांव का नाम ही बाबूजी का धाम है। बाबूजी का बहुत जोरदार मंदिर बना और वहां पर भी आपके देवासी कुल के, आपको कभी मौका मिले तो फतेहपुर से मात्र 15 किलोमीटर जहां पर मैं जाके आया वहां पर बाबूजी का साक्षात दरबार, यहां से लगभग 350-400 किलोमीटर है। उसके बाद में अभी हमने कार्यक्रम किया था सोजत रोड के करीब, वहां पर रूपनाथ जी महाराज की बहुत सूलिया पगार, जहां पर रूपनाथ जी महाराज की उस चोटी पर बड़ी गहरी तपस्या की हुई है और कहा जाता है कि वहां पर वर्षों तक रूपनाथ जी महाराज ने तपस्या की। उसके बाद में एक स्थान का जिक्र मैं जरूर करना चाहता कि उदयपुर से निकलते हैं जब बीच में एक जगह है देबारी, जहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की फैक्ट्री है, उसके सामने 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है देबारी। उस गांव में एक रायको जी एवड़ चराते चराते रात हो गई, तो रात हो गई तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बोले कटी आराम करा रात रात हो एवड़ नकट लेर जावा। तो अचानक रात को उनको एक सपने में एक दिव्य एक महापुरुष, एक चमकता हुआ सितारा एक घोड़ी पर बैठ के आया, देवासी जी को जगाया, बोले कि उठो। तो देवासी जी डर गए, बोले कि रात रा, पर बोले चिंता मत करो मैं बाबू हूं, इस स्थान पर एक मेरी मूर्ति है जो बहुत सालों से है, यहां पर पूजा नहीं हो रही, सुबह प्रभात में तुम ढूंढोगे तो तुमको ये मूर्ति मिल जाएगी। ऐसा वचन करके वो एकदम प्रकाश जो था वो अलोप हो गया। सुबह वे रायका जी रात को सपने ने याद कियो कि देखना चाहिए कि वास्तव में रात रो सपनों यूं ही थो कि यूं मारो बहम तो वास्तव में उसी पेड़ के नीचे एक बहुत पुरानी एक पत्थर की मूर्ति मिली। फिर वहीं के रायका समाज के लोगों ने उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जहां पर मैंने 8 साल पहले एक जागरण किया था। ये जीवन में प्रत्यक्ष है, जिस प्रकार से आप तेजा जी का नाम लोगे तो भी देवासी समाज का उसमें अंतिम में तेजा जी के साक्षी के रूप में एक नाम आएगा। रामदेव जी महाराज का जिक्र करोगे तो रत्नो राय को दुनिया में प्रसिद्ध है। गोगा जी महाराज के जीवन के करीब भी जाओगे तो उसमें गोगा जी महाराज के अंतिम समय में और गोगा जी महाराज के विवाह प्रसंग में देवासी जी का नाम जरूर आएगा। इस दुनिया में देवासी समाज इसलिए इस दुनिया में माना गया क्योंकि देवासी समाज ने हमेशा सेवा को अपना फर्ज माना है। और मित्रों, भगवान की सेवा तो बाद में, जिन्होंने मनुष्य और मानव सेवा का जिन्होंने बीड़ा उठाया, सबसे शुद्ध समाज के रूप में देवासी समाज की पहचान। और मां भवानी के आप परम उपासक लोग हैं, महापुरुषों के बहुत करीब रहने वाले लोग हैं। और आज ये बहुत बड़े खुशी का विषय है, मैं किसी प्रकार की एपोकेसी नहीं कर रहा कि मैं आपके यहाँ पर मंच पर बैठा और मैं आपके लिए कह रहा, लेकिन जब जब देवासी समाज को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमको बड़ा गर्व होता है कि एकदम सामान्य और एकदम गाँव के एवड़ और गौ माता पशुधन से जिन्होंने उनकी सेवा करते करते मुंबई और पुणे और देश के विभिन्न कोनों में अपने व्यापार को खड़ा किया है, इस प्रकार से शिक्षित समाज हो रहा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, ये संतों की पावन कृपा आपको मिलती रहे।